हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बाजरे की टिकिया, जो सर्दी के मौसम में बहुत अच्छी लगती है खाने में और इन्हें बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही अच्छी बनी हुई है। आइए देखिए मैंने कैसे बनाई है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाजरे की टिकिया बनाने के लिए मैंने ये आधा किलो बाजरे का आटा लिया है और ये 2 स्पून मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है और ये 400 ग्राम मैंने शक्कर ली है और बहुत ही थोड़े से पानी से मैं शक्कर घोलूँगी और इसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। शक्कर को बहुत ज़्यादा नहीं गर्म करना है, थोड़ा सा करेंगे ताकि शक्कर घुल जाए। ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में पानी डाल लेंगे क्योंकि शक्कर का ही पानी अभी निकलेगा। ये थोड़ा सा पानी और ले लिया है और अब मैं शक्कर घोल लेती हूँ अच्छे से। और ये शक्कर घुल गई है, मैंने मिक्सी के जार में इसको पीस लिया था शक्कर को, तो ये जल्दी घुल गई शक्कर। ऐसे करने में टाइम लगता है। अब मैं आटा गूंदूंगी, अगर पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो डालूंगी। थोड़ा सा पानी और डाले दे रहे हैं, मतलब इसको दोनों हाथों से इस तरह से गूंद लीजिए। और ये आटा मैंने 5 मिनट दोनों हाथों से गूंद लिया है और इसको इतना रखना है क्योंकि अब ये थोड़ी देर के बाद, आधा घंटा आप रखेंगे तो ये थोड़ा फूल जाएगा, तो ये बहुत अच्छा आटा हो जाएगा। अब मैं आधा घंटा 1 घंटा रख दूँगी ढक कर, तो ये आटा बहुत अच्छे से हो जाएगा और टाइट भी हो जाएगा थोड़ी देर में। और ये 1 घंटा हो गया है, आटा अच्छे से सेट हो गया है और अब मैं छोटी छोटी सी गोले बना लूँगी। थोड़ा सा हाथ में रिफाइंड ऑयल लेकर आप अपने साइज़ के हिसाब से बना लीजिएगा पूरियाँ। अब इनको बेलने की ज़रूरत नहीं है, ये बस ऐसे ही बन जाएंगी बहुत अच्छे से। ये देखिए इसी तरह से मैं सारी पूरी बना लूँगी। इनको चिकना कर लें, पहले गोले को चिकना कर लें अच्छे से, उसके बाद इस तरह से प्रेस कर दें हथेली पे। ये देखिए बहुत ही अच्छी बन जाएगी पूरी। और मैंने एक कढ़ाई ली है, अब मैं थोड़ा सा रिफाइंड डाले दे रही हूँ इसमें कढ़ाई में। जिस तरह से आप टिक्की तलती हैं उस तरह से इसको आप कढ़ाई में तल लीजिएगा। कढ़ाई का थोड़ा भारी तला होता है तो इसलिए कढ़ाई में ही बनाएं, नहीं तो हल्के पैन में जल जाएंगी ये। गैस का फ्लेम आप अपने हिसाब से कर लें, हाई एंड लो। जब आपको लगे कि गैस तेज़ हो गई तो आप धीरा कर लें और इस तरह धीरे धीरे खिसकाती जाएँ और एक दूसरी डाल दें साथ में और इस तरह से, और इसको इस तरह से धीमी आंच कभी तेज़ पे बना लें और ये जल्दी बन जाती हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में। और इनको इस तरह से धीरे से पलट दें और धीमी आंच पे थोड़ी देर पकाएं और फिर बीच में तेज़ आंच भी कर लें। और इसी तरह से बस मैं सारी पूरियां बना लूँगी और ये देखिए बहुत ही अच्छी पूरी बनी है। और ये पूरी बहुत अच्छी बनी है देखिए। और ये मैंने धीमी आंच पे सारी पूरियां बना ली हैं। सारी टिकियां बन गई हैं। जब टिकियां बनाएं तो इस बात का ख्याल रखें कि इसका आटा टाइट होना चाहिए, गीला आटा नहीं होना चाहिए क्योंकि गीले आटे से टिकिया बनने में परेशानी होगी और उनका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है।